आज हम बनाएंगे यमी मलाई केक। इसे आपने एक बार खा लिया ना तो रसगुल्ला रसमलाई सब भूल जाएंगे। बनाने में इतना आसान कि पूछिए मत। फेस्टिवल्स के लिए यही बहुत ही बढ़िया डेजर्ट है। पहले से बनाकर रख लीजिए एंड जब जरूरत हो सर्व कीजिए। गर्मियों में इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चे एंड बड़े सब इसे मजे लेकर खाएंगे। घर में रखे हुए बहुत ही कम सामान के साथ फटाफट इसे बनाकर तैयार कर पाएंगे। हेलो फूडीज, वेलकम टू अनुषाज किचन। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इस केक को बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का यूज किया है, आप चाहे तो मैदा भी यूज कर सकते हैं। इंग्रीडियंट लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। सबसे पहले जिस बर्तन में हम केक बेक कर रहे हैं उसे पहले से तैयार करके रखेंगे, तो उसको सबसे पहले हम ऑयल, बटर या घी किसी से भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब केक का बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप कर्ड, 1/4 कप शुगर। हम जो मलाई यूज करेंगे उसमें भी शुगर ऐड करेंगे, इसलिए शुगर यहाँ कम ऐड की है। हमने यहाँ पे लिया है 3 टेबल स्पून ऑयल। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानकर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। हम इसे छान इसलिए रहे हैं ताकि कोई लम्स ना रहे और स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो। तो इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये 1/2 कप दूध है तो 2 बार में इसे ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि बैटर को आपको बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, आपको इतना ही मिक्स करना है कि बैटर स्मूथ हो जाए। बहुत ज्यादा ओवर मिक्स करेंगे तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अपना असर खो देंगे। स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे फटाफट केक टिन यानी जो मोल्ड हमने तैयार करके रखा था उसमें डाल देंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। आज मैं ये केक कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो 160 डिग्री के लिए 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट होने रख दीजिए। इसके बाद ये मोल्ड हम ओवन में रख के 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो मैं यहाँ कढ़ाई का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सॉल्ट बिछा लिया है, उसमें रखा है एक स्टैंड, से 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। इसके बाद ये मोल्ड इसमें डालकर 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद आप देखेंगे केक बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। एक टूथपिक या कोई नाइफ इंसर्ट करके चेक कर लीजिए, अगर क्लीन आए तो मतलब केक पक चुका है। अब हमने एक कढ़ाई में 3 कप दूध ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप शुगर। इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से पका लेंगे। 2 कप ना रह जाए तब तक हमें इसे पकाना है। फ्लेवर के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर के स्ट्रैंड, से बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो दोनों में से एक भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहे तो यहाँ रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं या केवड़ा वाटर आपके पास हो तो उसे भी ऐड किया जा सकता है। देखिए धीरे धीरे ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है, इसका कलर भी अच्छा येलोइश सा आ रहा है केसर की वजह से। हाई फ्लेम पे लगातार इसे चलाते हुए पका लीजिए। 20 से 25 मिनट में बहुत ही बढ़िया थिक मिल्क बनके तैयार हो जाएगा। केक भी हल्का सा ठंडा हो चुका है, इसे फॉर्क का यूज करते हुए इस तरीके से फ्लिप कर लेंगे। या तो आप स्कीवर यूज कर सकते हैं या तो आप टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से प्रिक कर लेंगे तो जो मलाई हम इसमें ऐड करेंगे वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगी। सबसे पहले हम 1/4 मिल्क करीब इसमें ऐड कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना भी मिल्क है ये अब्सॉर्ब कर ले और अच्छा सा मॉइस्चर इसमें आ जाए। आधे घंटे के बाद जो बचा हुआ मिल्क है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा दूध हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको फिल कर दीजिए ऊपर ऊपर तक। देखिए अभी से ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल रसमलाई की तरह ये लग रहा है। इसे मैं गार्निश कर दूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता यूज किए हैं, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स यहाँ यूज कर सकते हैं।
ऐसे अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट्स के साथ कवर करेंगे ताकि बहुत ज्यादा रिच लुक इसका आए। 25 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखने दीजिए, इसके बाद हम इसे कट करके सर्व करेंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी कटोरियों में भी ये केक बनाकर तैयार कर सकते हैं ताकि इंडिविजुअल सर्विंग बन के निकल आ सके। हम इसे इस तरीके से कट करके प्लेट में सर्व करेंगे और थोड़ी सी मलाई या जो रबड़ी हमने प्रिपेयर करी थी वो मैं ऊपर से इसमें ऐड करूंगी ताकि इसका बहुत बढ़िया टेम्पटिंग सा लुक आए। आई एम श्योर आपको ये इजी रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी एंड इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग आता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार तो इसे जरूर ट्राई कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।